बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम पेट्रोल ऑफिसर के 2018 का जो पेपर था उसको इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। इस वीडियो का एक हिस्सा हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, PSL 2019 वाज वन बाई, 2019 का PSL किस टीम ने जीता था? क्वेटा ग्लैडिएटर ने। ये जो 2018 का पॉस्ट पेपर है इसको मैंने अपने अंदाज में थोड़ा सा इसको चेंज किया है, क्योंकि अब जो पेपर होना है वो पिछले जो 2 साल के करंट अफेयर हैं उनमें से क्वेश्चन लिए जाने हैं। तो यहाँ असल में 2018 का PSL पूछा गया था, लेकिन मैंने इसको खुद मैनिपुलेट किया। तो आपने भी इसी तरह करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से मुतलका जो इवेंट्स हैं या जो क्वेश्चन मजीद बनते हैं पिछले 2 सालों के, आपने वो खुद से क्रिएट करने हैं। तो चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो PSL है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यह है कि इसे 2015 में कायम किया गया था, सितंबर 2015 में, लेकिन इसका पहला जो सीज़न था वो 2016 में खेला गया था। मोस्ट सक्सेसफुल जो टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 2 दफ़ा ये जीती है। मोस्ट जिसने विकेट्स ली हैं इस PSL में वो है वहाब रियाज, और रन हैं कामरान अकमल के। नेक्स्ट है, वारसक डैम हैज़ बिन बिल्ड ऑन विच रिवर? वारसक डैम, ये रिवर काबुल पे इसे तामीर किया गया है। मंगला डैम, ये रिवर जेलम पे तामीर हुआ है। शिमला इज रिजॉर्ट इन शिमला, रिजॉर्ट ये इंडिया में वाकया है। कंप्लीट दिस सीरीज, सीरीज है 1, 1 ओवर 4, 1 ओवर 9, 1 ओवर 16। तो ये देखें, ये 4, 9 और 16, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का और ये 4 का। इसी तरह नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 5 का स्केयर यानी 25। ये पॉस्ट पेपर्स पर मुश्तमल वीडियो है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये मिक्स हैं। इस जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो मोटरवे पुलिस का आर्डिनेंस है 2000 का, क्योंकि उसमें से भी 20 क्वेश्चंस आने हैं, तो हम उसके तैयारी के लिए भी जो उसमें क्वेश्चन है वो शामिल करेंगे। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट दिस सीरीज, ये भी सीरीज बिल्कुल उसी तरह की है, यानी 4, 9, 16, 25, यानी ये 2 का स्केयर है, ये 9, 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का और ये 7 का, और इस तरह आगे से आ जाएगा 8 का स्केयर, यानी 8 का स्केयर क्या होता है, 64। इफ़ यू आर इन अ लाइन एट 3rd नंबर फ्रॉम बोथ साइड टोटल नंबर ऑफ पीपल इन लाइन, यानी ये कोई लाइन है तो दोनों तरफ से आप 3रे नंबर पे हैं, तो उस लाइन में कितने लोग होंगे, 5। नेक्स्ट है जी, फाइंड 2 नंबर्स फ्रॉम द सीरीज विच आर डिविजिबल बाई 11 एंड देयर सम इज 24, यानी ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको 11 से तकसीम किया जा सकता है और अगर उनका सम हो, उनको टोटल किया जाए, उनको जमा किया जाए, तो वो आता है 44। तो वो 2 फिगर हैं 11 और 33, ये दोनों 11 से डिवाइड भी किए जा सकते हैं और अगर इनका सम करें तो वो बनता है 44। द सम ऑफ 2 नंबर इज 96, 1 नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ फाइंड नंबर, 2 नंबर का सम है 96 और वो जो 2 नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है उनमें से 1 नंबर उसके बराबर है, तो 1 नंबर है 64 और दूसरा है 32 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 32 है। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर एंड क्यूब्स आर द सेम, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर और क्यूब दोनों बराबर होते हैं, तो वो नंबर है 1। The batting side has scored 51 in 6 over. What will be total score in 20 over? 6 over में score है 51. 20 overs में score कितना होगा? तो पहले हम देखेंगे कि 1 over में कितना score होता है। तो 51 over 6 करेंगे तो 1 over का score बनेगा 8.5 और 8.5 को multiply करेंगे 20 से तो आंसर आ जाएगा 20 overs का 170 score. टोटल ऑफ 1.5 एंड 2.5, इन दोनों का सम बनता है 4। इफ वीट सेल्स 1600 फॉर 40 kg, व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 5 kg? अगर 40 kg गंदम 1600 की आती है तो 5 kg कितने की आएगी? तो हम पहले देखेंगे कि 1 kg कितने की आएगी। 16 over 40 तो ये आएगा 40 रुपीज, यानी 1 kg गंदम 40 रुपये की आएगी, तो 40 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किलो आ जाएगी 200 रुपये की। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 एंड 50 इज एडेड टू इट एंड सम बिकम्स 60, फाइंड नंबर, यानी एक नंबर है जिसको हम
छः से तकसीम करने के बाद उसमें अगर 50 को ऐड कर दें तो वो 60 बन जाता है। यानी 50 में हम कितना ऐड करेंगे, 10, इसके बाद ही 60 बनेगा ना। तो इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 6 से अगर तकसीम करें तो जवाब आता है 10। तो अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें दोबारा 6 से तो फिर बन जाएगा 60, यानी एक्चुअल नंबर जो है वो सामने आ जाएगा 60। फाइंड द ऑड नंबर आउट, 8, 16, 24, 34, 40, 48। यानी देखें ये जितने भी नंबर हैं ये तमाम जो है इनको 8 से डिवाइड किया जा सकता है मसवाए 34 के। तो इनमें से जो 34 है वो ऑड नंबर है। इफ वन सैक ऑफ वीट इज 100 kg एंड हाउ मैनी सैक्स विल मेक इट 1 metric ton। अगर एक बोरी में 100 kg है तो हमें 1 metric ton करने के लिए कितनी बोरियां दरकार होंगी। तो आप जानते हैं कि 1 metric ton कितने केजी के बराबर होता है, 1000 kg के बराबर। एक बोरी में अगर 100 kg है तो हमें 10 बोरियां चाहिए होंगी 1000 kg करने के लिए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ चाइना, चाइना की पॉपुलेशन है 1.39 बिलियन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। एयरप्लेन टेक लिफ्ट बिकॉज ऑफ स्पेशल वर्क ऑफ एयर ऑन इट्स विंग्स। यमन इज लोकेटेड एट डैश ऑफ सऊदी अरेबिया। यमन जो है ये सऊदी अरेबिया की साउथ साइड पे वाक़ है। स्टील बार इज मैग्नेटाइज्ड बाय, स्टील बार ये मैग्नेटाइज कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंट्री विद नो स्टैंडिंग आर्मी, जो नीचे कंट्रीज ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से जो एंडोरा कंट्री है उसकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। इसके अलावा 22 कंट्रीज हैं एंडोरा के अलावा जिसकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं, जिसमें से फेमस कंट्रीज हैं कोस्टारिका, आइसलैंड, पैनमा, माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड, और इसके अलावा वेटिकेन। वेटिकेन इन तमाम कंट्रीज की भी, ये कंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं कि इनकी स्टैंडिंग आर्मी है या नहीं, तो इनकी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। नेक्स्ट है साइबेरिया इज, साइबेरिया इन रशियन फेडरेशन इज पार्ट ऑफ, साइबेरिया जो कि रशियन फेडरेशन का हिस्सा है तो ये कहाँ वाक़ है, ये एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। रिसेंट टेंशन बिटवीन रशिया एंड USA इज ड्यू टू किलिंग ऑफ रशियन एजेंट इन यूरोप। आपने रिसेंट देखने हैं कि चाइना और USA के दरमियान किस लिए कशीदगी हुई, और रशिया के बीच भी कशीदगी रहती है। अफगानिस्तान के जो अमन और अमन मुजाकरात हैं इनको भी अपने जहन में रखना है। तो ये जो सारे वाक़ात हैं ये अपने लाजमी जहन से रखने हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाई प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज़ कुबा, मस्जिद कुबा। द सेकंड मेजर बैटल ऑफ इस्लाम अगेंस्ट कुरैश वाज़, वो थी गज़वाए उहद। नेक्स्ट है हज इज परफॉर्म ऑन 10 जिल हज, व्हाट इज किसास, किसास क्या है, सॉरी किसास नहीं ये कियास है, कियास करना, ये कियास क्या है, एनालॉजिकल रीजनिंग इन इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस। मुदारबा इज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन बिजनेस। साउदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इज, अफ्रीका की मोस्ट साउदर्न कंट्री है साउथ अफ्रीका, और याद रखें ये वाहिद कंट्री है जिसके 3 कैपिटल सिटीज हैं। नेक्स्ट है लॉज इन पाकिस्तान आर बेस्ड ऑन, पाकिस्तान में कानून कुरान और सुन्ना के बुनियाद पे हैं। इफ आई हैड 1 million pound आई वुड हैव बॉट अ यॉट, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है यॉट, ये स्पेलिंग इसके गलत लिखे गए यॉट। ईरान हैज अलाउड इंडिया कमर्शियल यूज ऑफ पोर्ट, कौन सी ईरान ने अलाउ की है पोर्ट इंडिया के इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, चाबहार पोर्ट। नेम ऑफ कंट्री विच हैज ड्राइवन आउट रोहिंग्या मुस्लिम्स एज रेफ्यूजीज, किस कंट्री ने ड्राइव आउट किया, छोड़ने पर मजबूर किया है रोहिंग्या मुस्लिम्स को, वो कंट्री है म्यांमार। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्राइफ इन श्रीलंका इन 1980s वाज ब्रॉट बाय, 1980 में जो कन्फ्लिक्ट थी इंटरनल श्रीलंका में वो किसकी वजह से थी, कौन लाया था, LTTE यानी द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम।
आर्मी गैलें जो कि स्टेट के अगेंस्ट लड़ी थी और जिसने कन्फ्लिक्ट शुरू की थी श्रीलंका में, ये 1970 में ये तहरीक शुरू हुई थी और 2009 में इसका एंड हुआ था। जो श्रीलंकन फोर्सेस हैं उन्होंने इसको ख़त्म किया था। यूकेज पॉलिसी टू एग्जिट यूरोपियन यूनियन इज कॉल्ड, यूके ने जो यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया है तो वो पॉलिसी का नाम है ब्रेक्जिट। लैंड ऑफ सेवन हिल, लैंड ऑफ सेवन हिल रोम, रोम जो कि इटली का कैपिटल सिटी है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप विनर, 2018 फीफा वर्ल्ड कप विनर था फ्रांस और 2018 फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था रशिया में। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा 2022 में और ये होगा कतर में। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है क्योंकि यूरोप की सबसे ज्यादा जो तारीखी जंगें हैं वार्स हैं वो बेल्जियम में लड़ी गई। नेक्स्ट है, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज सिलिकॉन, विच विटामिन इज गेन्ड फ्रॉम सनलाइट, कौन सा विटामिन सनलाइट से हासिल होता है, विटामिन डी। विच वेव्स आर यूज्ड इन सेलुलर फोन, सेलुलर फोन में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है, अरब लीग वाज फॉर्म्ड इन, अरब लीग कहाँ कायम हुई थी, कैरो में यानी कायरा। विच कंट्री इज इन लेवेंट रीजन, लेवेंट रीजन कहा जाता है जो मेडिटेरेनियन सी जो है उसकी जो ईस्ट साइड है उसको लेवेंट रीजन कहा जाता है। और लेवेंट रीजन में कौन सी कंट्री है जो नीचे दी गई थी, उनमें से सीरिया लेवेंट रीजन का हिस्सा है। विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए थे, इवेंट्स दिए गए थे, उनमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये पहले हुई थी। नेक्स्ट है, फादर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है जीन जैकीज रोसो, जीन जैकीज रोसो। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इज साउथ अफ्रीका। एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स कुक। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए पेट्रोल ऑफिसर की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगी। इसके अलावा आपने जो करंट इश्यूज़ हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया है, और कश्मीर इशू को आपने लाजमी जहन में रखना है, जो इंडियन आर्टिकल है या जो अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो रिसेंटली इसराइल को कुछ कंट्रीज़ ने तस्लीम किया है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी जहन में रखनी है। और जो मेरी रिसेंट जो करंट अफेयर पर वीडियोस हैं 2019 और 20 की, उनको आपने लाजमी देखना है, ये आपके लिए इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सी एग्जाम चैनल को विज़िट करें और ये वीडियोस ज़रूर देखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दें और साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।